फांस रहे हो साहब, फांस रहे हो, क्यों बदला कर रहे हो, कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? फांस रहे हो साहब, फांस रहे हो साहब, हम तुम्हें समझा रहे हैं, बात करो, फांस हो जाओ साहब, बदमाशी मत करो, जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सर क्या सर्वे टीम सर अंदर है क्या? सर्वे टीम मस्जिद में सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे है वो करवाया जाएगा। ठीक, थैंक यू। अपना भविष्य बर्बाद मत करो, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। Thank you.